हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉगर आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम दिखाने जा रहे हैं मैक्रेम का क्रिसमस ट्री। इसके लिए हमें चाहिए मैक्रेम का छोटा छोटा टुकड़ा, जो बच जाता है वो मैं जमा करके रखी थी, उससे बना रही हूँ। ये देखिए, 4 इंच का नाप लेके मैं इसको कट कर ली हूँ। फिर दोनों का मुंह आपस में लाइटर से जला के चिपका देंगे। देखिए, अभी इसके साथ एक के साथ एक साइड में ग्लू लगा के ऐसे चिपका देंगे। ऐसा वाला फूल बहुत सारे साइज का बनाई हूँ। ये जैसे 4 इंच का है, इसके नीचे नीचे करते करते एक एक साइज का 4-5 करके बनाई हूँ। देखिए, ये फूल बन गया। अभी ऐसा ही करके देखिए, बहुत सारे फूल बनाई हूँ, छोटे से बड़ा करके बहुत सारे फूल है। अभी एक थर्मोकोल का टुकड़ा लेंगे और एक बोतल का ढक्कन था मेरे पास, तो ढक्कन में ऐसे थर्मोकोल का पहले नाप ले लेंगे, लेके उसके अंदर से थर्मोकोल को काटेंगे। काट के ये बोतल के ढक्कन के अंदर पहले थर्मोकोल को ऐसे डाल देंगे। फिर एक डंडी ऐसे मेरे पास था तो वो ली हूँ, लेके इसके अंदर पहले ऐसे दबा देंगे, दबा के ग्लू गन से इसके उसको चिपका देंगे। फिर बड़ा से लेके एक एक करते करके ऐसे जो मैक्रेम का फ्लावर बनाई थी उसको डालती जाऊँगी। देखिए, जब लग रहा है कि ये दब रहा है ज़्यादा, तो उसके बीच में एक थर्मोकोल काट के ऐसे डाल दूंगी। तो थोड़ा सा वो फैल जाएगा। अभी लास्ट में जो दो बचा है उसको फिर ग्लू से चिपका देंगे। अभी जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको पहले काटर से काट देंगे, उसके बाद एक रेड कलर का मोती लेके इधर चिपका देंगे ऊपर। अभी ऐसे ही कलरफुल मोती लेके इस ट्री के चारों तरफ चिपका दी हूँ। तो अभी एक दूसरा वाला, जिसके पास मैक्रेम नहीं है वो ऊन से भी ट्री बना सकते हैं। पहले एक ऐसे कार्डबोर्ड का टुकड़े को बीच में से फोल्ड करेंगे, करके ऐसे ऊन को दो लेके, दो या चार भी आप ले सकते हो, उसको पैसे पूरा इसमें से लपेटेंगे, काट लेंगे ऐसे काट के। फिर ग्लू के मदद से, ग्लू गन के मदद से ग्लू को पीछे की तरफ ऐसे लगा देंगे। जिस साइड में फोल्ड है उस साइड में लगाएंगे, जिस साइड में खुला हुआ है उधर नहीं लगाएंगे। देखिए, अभी जिस साइड में खुला हुआ है उधर से इस ऊन को काट देंगे। काट के फिर इसको सीधा करेंगे, करके वो जो बीच वाला अंदर के तरफ था उधर भी कट लगा लेंगे, उधर भी ग्लू गन से मदद से ग्लू लगा लेंगे।
लगा के उसको फोल्ड कर देंगे तो अंदर वो चिपक जाएगा। अभी देखिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, फिर उसके ऊपर पेपर को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे कि नीचे के तरफ से मोटा से जाके ऊपर की तरफ पतला होता जाएगा। ऐसे आप गन से भी कर सकते हो, नहीं तो आप फेविकॉल से भी इसको चिपका सकते हो। देखिए, अभी नीचे के तरफ से ये जो ऊन का जो बनाई थी उसको लपेटते जाएंगे ग्लू गन के मदद से, इसको ऐसे उधर चिपकाते जाएंगे घुमा घुमा के ट्री जैसा ये दिखाई दे। एक ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा फूल को भी उधर से जोड़ना शुरू करेंगे। भी सेम प्रोसेस से ग्लू से चिपका देंगे उधर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपको कुछ भी सीखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।